हेलो माय डियर फैमिली, क्या हाल चाल है भाई सबके। स्वागत है आपका फिर एक बार जस्ट एक सिनेमा अपडेट्स के एक और नए एपिसोड के अंदर, और आज का अपना एपिसोड नंबर है 360। चलो शुरू करते हैं। तो भाई आज की हमारी सबसे पहली अपडेट है मेगा स्टार सलमान खान और डायरेक्टर एटली कुमार के कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट यानी कि A6। तो पहले तो इस फिल्म के अंदर एटली सलमान खान के साथ रजनीकांत को रखना चाहते थे, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी, जिसके बाद रूमर्स आने शुरू हुए कि एक्चुअली एटली कुमार और कमल हसन डिस्कशंस में है इस फिल्म को लेकर। अब इस न्यूज को हमने हमारे पिछली वीडियोस के अंदर ऑलरेडी कवर कर लिया था, लेकिन अब इसकी कंफर्मेशन आ चुकी है। हाँ, लेकिन अभी तक कमल हसन सर ने इस फिल्म को साइन नहीं किया है, और भाईजान और एटली कुमार दोनों ही कमल हसन जी को इस फिल्म को करने के लिए कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो अगले महीने यानी कि अक्टूबर से इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन वर्क शुरू हो जाएगा, और अगले साल जनवरी से इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। अगली अपडेट आ रही है अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की अपकमिंग फिल्म से। तो इस मूवी का फर्स्ट लुक बहुत जल्द हमारे सामने आने वाला है, जहां अक्षय कुमार के बर्थडे पर यानी कि 9 सितंबर को इस फिल्म का फर्स्ट लुक ड्रॉप किया जा सकता है। साथ ही हेरा फेरी और बुलबुलिया जैसी मूवीज के 14 साल के बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन एक मूवी के अंदर साथ में आ रहे हैं। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने आपको काफी टाइम पहले बता दिया था, ये एक कॉमेडी फिल्म होगी फैंटेसी और सुपर नेचुरल ट्रॉप्स के ब्लेंड के साथ। इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है अगले साल के एंड यानी कि दिसंबर के आसपास। आगे बात करें तो सुपरस्टार रजनीकांत और लोकेश कनगराज की फिल्म कूली से भी कुछ अपडेट है, जहां सबसे पहले तो कल इस मूवी से एक पोस्टर शेयर करके रजनीकांत के कैरेक्टर का नाम रिवील कर दिया गया है, और इस फिल्म के अंदर उनका नाम है देवा। अब देखो यार, इस फिल्म के अंदर हर फिल्म इंडस्ट्री से किसी न किसी स्टार को कास्ट करके ओवरऑल एक पैन इंडिया कास्ट असेंबल की गई है, बस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से यानी कि बॉलीवुड से अभी तक कोई नाम ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। ऑल्दो ये रूमर्स आ रहे थे कि इस फिल्म के अंदर आमिर खान का केमियो दिख सकता है, अब ये केमियो होगा तो शायद इसीलिए इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ होगा, मे बी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन की किंग मूवी से। तो इस मूवी की कास्ट को लेकर काफी इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है, जहां कुछ मीडिया पोर्टल्स ने ये रिपोर्ट किया है कि इस फिल्म के अंदर छोटे से मगर बहुत ही इंपोर्टेंट कैरेक्टर के लिए सैफ अली खान को अप्रोच किया गया है, लेकिन शायद सैफ अली खान के साथ बात नहीं बनी। तो अब सिद्धार्थ आनंद ने इस बात से ही डिनाई कर दिया है कि ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। अगली अपडेट आ रही है कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की बुलबुलिया 3 फिल्म से, जहां रिसेंटली इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर्स के लिए एक शूट रखा गया था जो कि रैप अप हो चुका है। इसके अलावा बुलबुलिया 3 का पोस्ट प्रोडक्शन फुल स्विंग में चल रहा है, और कार्तिक आर्यन और मेकर्स ने मिलकर इस फिल्म की मार्केटिंग के लिए 45 दिनों का पूरा कैंपेन प्लान किया है। बाकी ये फिल्म रिलीज होने वाली है इस साल दिवाली वीकेंड पर, यानी कि इसका सीधा क्लैश होगा अजय देवगन की सिंघम अगेन के साथ। आगे बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म मिट्टी से एक बहुत बड़ी अपडेट है, जहां पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बलविंदर सिंह की इस फिल्म से एग्जिट ले लिया है। हाँ, ये थोड़ा सा शॉकिंग है, इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है मेकर्स और एक्टर्स के बीच के क्रिएटिव डिफरेंसेस, और सिद्धार्थ मल्होत्रा इस स्क्रिप्ट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को ड्रॉप कर दिया। तो फिलहाल तो ये फिल्म होल्ड पर जा चुकी है, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर की देवरा मूवी से। तो कल हमने आपको बताया था कि इस मूवी का थर्ड सिंगल बहुत जल्दी ड्रॉप होने वाला है, तो लो भाई आ गई इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो कल इस सॉन्ग से एक पोस्टर शेयर किया गया जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और ये सॉन्ग हमको कल यानी कि 4 सितंबर को देखने को मिलेगा। खैर, अब जूनियर एनटीआर की बात हुई है तो उनसे रिलेटेड एक और न्यूज मैं आपको दे देता हूं। तो रिसेंटली जूनियर एनटीआर और ऋषभ शेट्टी अपने फैमिलीज के साथ एक टेंपल पर विजिट करने के लिए गए थे। उसके बाद जूनियर एनटीआर से जब पूछा गया कि क्या आप ऋषभ शेट्टी की कांतारा फ्रेंचाइज का पार्ट है, तो इसके ऊपर उन्होंने क्लियरली कहा कि वो ऋषभ शेट्टी के साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, अगर उन्हें कोई कैरेक्टर ऑफर होता है इस फ्रेंचाइज के अंदर तो वो जरूर से काम करना चाहेंगे। हालांकि अगर आपको याद हो तो काफी टाइम पहले एक रूमर भी आया था कि जूनियर एनटीआर ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 के अंदर एक केमियो करने वाला है। देखते हैं क्या होता है, बाकी आपका इसके ऊपर क्या कहना है, जूनियर एनटीआर का केमियो होना चाहिए या नहीं। अगली अपडेट की बात करें तो हनुमान मूवी के मेकर्स प्राइम शो एंटरटेनमेंट ने किच्चा सुदीप के साथ हाथ मिलाया है एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए। इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज यानी कि किच्चा सुदीप के बर्थडे के ओकेशन पर की गई है। इस फिल्म का नाम है बिल्ला रंगा बादशाह। साथ ही इस मूवी से एक कॉन्सेप्ट वीडियो भी रिलीज किया गया है जो मुझे काफी प्रॉमिसिंग लगा। अब इस फिल्म का टाइटल सुनकर शायद आपको लग रहा होगा कि यह फिल्म एक नॉर्मल मास मसाला एंटरटेनमेंट वाली फिल्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म फ्यूचर में सेट होगी, यानी कि इस फिल्म के अंदर हमको डिस्टोपियन वर्ल्ड देखने को मिलेगा। अब वो वर्ल्ड गणपत जैसा होगा कि कल की 2898 एडी जैसा, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। ओके, देन आज की बात यही तक रखते हैं भाई। वीडियो पसंद आया है तो जोर से लाइक कर देना रोज की तरह, और आपके सिनेमा लवर दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। दिस इज जय सिनेमा, वॉचिंग जस्ट टेक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।